और छत्तीसगढ़ की पाटन के बाद जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा विधानसभा दूसरी ऐसी सीट है जहां पर चाचा भतीजा चुनावी मैदान एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अकलतरा सीट से बीजेपी ने जहां विधायक सौरभ सिंह तो दूसरी बार मौका देकर अपना प्रत्याशी बनाया, तो वही कांग्रेस ने सौरभ के भतीजे और पार्टी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में वे बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह पहली बार चुनाव लड़ेंगे और IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत भी क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। बात करेंगे अभी कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं राघवेंद्र सिंह जी से, जिस तरह से पूरी स्थिति बनी है और अब ये सीट भी अब चर्चा में है क्योंकि पाटन के बाद अकलतरा में भी चाचा और भतीजे में भिड़ंत होगी, किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी? देखिए, कांग्रेस ने मुझे, हाईकमान ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और पूरे दमखम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहली बार चुनाव मैदान में हैं, आपके जो विपक्ष विरोधी जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं भाजपा से सौरभ सिंह जी, वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, कितना अंतर देखते हैं समीकरण में? मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ क्योंकि कभी ना कभी वो भी पहली बार ही चुनाव लड़े थे और कोई भी जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो किसी न किसी सीनियर के खिलाफ ही लड़ता है। बहुत कम जगह ऐसे समीकरण होते हैं जहाँ पर दोनों प्रत्याशी नए हों, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्यकर्ता मेरे साथ है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। अकलतरा में विपक्षी विधायक रहे, हमेशा जब भी बात होती थी उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है लेकिन अकलतरा के विकास में सरकार हमेशा भेदभाव करती रही, इस आरोप पे क्या कहेंगे सौरभ सिंह जी के? अगर मैं उनकी बात कहूँ, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर जो किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं या हर समाज का व्यक्ति और हर योजना का जो लाभ मिल रहा है वो किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष देखकर नहीं मिलता है, वो सभी को मिलता है। मेरे ख्याल से बोनस का लाभ तो सारे भाजपाइयों को भी मिल रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया है और उस काम के दम पर वो यहाँ पर जीत हासिल करेंगे और कार्यकर्ता भी उनके साथ है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।